जय हिंद दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम टू वंडर। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं अभी एयरपोर्ट पे हूँ और आज मैं अपने एक नए सफ़र पे गोवा के लिए निकल रहा हूँ। दिल्ली से गोवा हम चलते हैं। ये मेरी भी टीम है जिसके साथ मैं जा रहा हूँ। इसमें मैं, प्रदीप, उत्तम जी, प्रहलाद जी, धीरज जी, लक्की जी, ये सारे मेरे दोस्त हैं और हम सब आज दिल्ली से गोवा के लिए निकल रहे हैं। अभी हम गोवा जाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुँच गए हैं और अब हम बस में बैठ के अपनी फ्लाइट की तरफ जा रहे हैं। हमारी इंडिगो की फ़्लाइट है। ये सारे प्लेन जो हैं एयरपोर्ट पे खड़े थे तो मैंने कहा लाओ इनको भी शूट कर लेते हैं, बेचारे अकेले खड़े हैं, इनको भी अपनी वीडियो में डाल दिया जाए, इससे हमारी वीडियो की थोड़ी शोभा और बढ़ जाए। ये हमारा प्लेन खड़ा है एकदम, तेल वेल डलवा के फुल कर होके। भाई हम भी अपने सीट की तरफ बढ़ते हैं और चलते हैं, दिखाते हैं आपको प्लेन के अंदर का नज़ारा कैसा है। एयर होस्टेस से मिलवाते हैं, पायलट से मिलवाते हैं और गोवा के लिए चलते हैं। ये स्पाइस जेट का प्लेन है और ये हमारा खड़ा है जिसमें हम लोग अभी बोर्ड करने जा रहे हैं। मेरी सीट 23 समथिंग थी तो पीछे से ही एंट्री करने के लिए बोला गया और पीछे खाली भी था, आगे बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी तो मैं इसलिए पीछे की सीट पर बैठा, पीछे के गेट से इंटर हुआ। ये हम लोग बैठ गए हैं अपनी सीट पर और अब हम लोगों को दिखाते हैं एयर हॉस्टेस सेफ्टी इंस्ट्रक्शन कैसे देती है और बाकी चीज़ों का क्या सिस्टम रहता है यहाँ पे। ये देखिए उसमें ये इन्होंने इसी को वो पूरे प्लेन को ठंडा करने के लिए इसी वेंट ऑन कर दिए और ऑक्सीजन फ्लो कर रहे हैं जिससे किसी भी यात्री को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। मेरी टीम अपना सब सेटिंग कर रहे हैं कि हम अभी कैसे जाएं, क्या करें। मेरे बारे में तो आपको पता ही, मुझे विंडो सीट मेरी प्रेफरेंस रहती है और मैं जाते विंडो चिपक के सो जाता हूँ क्योंकि मुझे देखना कुछ नहीं होता। बट हाँ, तो हम लोग जो है पूरा ये हमारा पूरा प्लेन देख लीजिए और हम लोग अभी जो है अपनी अपनी सीट पे हैं और अब जो है सोएंगे और जब सो के उठेंगे तो फिर हमारे दोस्त लोग बहुत सारा खाना लेके आए हैं और वो हम लोग खाएंगे अभी, क्योंकि हम लोग फ्लाइट का खाना नहीं खाएंगे। अब मेरा प्लेन जो है चलने को तैयार हो गया है, ये अपना रनवे की तरफ निकल रहा है। रनवे पर हम लोग आ गए, प्लेन हमारा चेक हो रहा है कि हम उड़ने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। तो ये हमारे जो क्रू है वो हमें सेफ्टी इंस्ट्रक्शन बता रहा है कैसे करना है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1 से थी फ्लाइट। हमारी फ़्लाइट अभी रनवे पर आ गई और स्पीड पकड़ रही है धीरे धीरे। अब ये जो है ग्राउंड छोड़ देगी और हम लोग मिलते हैं अब गोवा में। गोवा में 2 घंटे करीब 40 मिनट का आपकी फ्लाइट थी जो कि समय से यहाँ से। इंडिगो की खास बात यही है कि ये कोशिश यही रहती है इसकी कि ये समय पे उड़े, क्योंकि इसको नंबर ऑफ ट्रिप्स ज़्यादा करने होते हैं तो कोशिश इनकी कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिप कर लिए जाएं और लोगों को पहुंचा दिया जाए सब समय से। तो हमने दिल्ली की का ग्राउंड छोड़ दिया है, हम दिल्ली के आसमान में उड़ रहे हैं और
आपको अब आसमान के नज़ारे दिखाते हैं कि आसमान में बादल और बाकी सारी चीज़ें कैसे दिखती हैं। ये मेरी विंडो सीट है और क्योंकि सनलाइट डायरेक्ट मेरे इस पर पड़ रही है तो इसलिए आपको बाहर का कुछ अभी दिख नहीं रहा है। अभी जब हमारी फ्लाइट दूसरे डायरेक्शन में जाएगी तो आपको मैं बाहर का भी दृश्य दिखाऊंगा। ये देखिए अभी हम दिल्ली के आसपास ही हैं। ये देखिए बादलों के ऊपर हम लोग आ गए हैं और देखिए सूरज कैसे कोशिश कर रहा है कि बादलों के बीच में से हम लोगों को गर्मी दिखाने के लिए, लेकिन बादल भी बहुत हीट होते हैं, उन्होंने पूरा कवर कर रखा है। ये देखिए कितने शानदार बादल हैं, वाइट एकदम दूध से नहाए हुए। तो अभी हम लोगों ने बाहर के नज़ारे बहुत देख लिए, अब के लिए कुछ पेट पूजा करते हैं। तो ये हमारे मित्र लकी जी जो हैं वो अपने हल्दीराम के ब्रेड पकोड़े, समोसे, ढोकला, रसगुल्ले बहुत सारे चीज़ें लेके आए थे खाने के लिए हम लोगों की फ्लाइट में। तो हम लोगों ने पेट भर के खाना खा लिया और अब मिलते हैं गोवा में। अभी और गोवा बेसिकली क्या है, मिलिट्री ऑपरेटेड एयरबेस है तो यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट रहती है और आप ज़्यादा वहाँ वीडियो वगैरह नहीं बना सकते, तो इसलिए हो सकता है मैं आपको गोवा की पूरी वीडियो अच्छे से ना दिखा पाऊँ। और चलिए हम लोग गोवा लैंड करते हैं और आप लोगों को कोशिश करते हैं गोवा की, गोवा का जो बैगेज काउंटर है वो वहाँ की फोटो है। यहाँ से हमने बैग अपना बैग लिया। अब जैसे ही आप फ्लाइट में से गोवा पहुँचने वाले होंगे तभी आपको अनाउंसमेंट हो जाएगा कि ये मिलिट्री एयरबेस है, आप यहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। हमने अपना सामान लिया और बाहर आए। बाहर आते ही हमने जो अपनी गाड़ी बुक कर रखी थी एयरपोर्ट के बाहर ही हमें हमारी गाड़ी मिल गई और हम अपने जो है होटल के लिए निकल गए। तो आइए अभी आप लोगों को मैं अपना होटल दिखाता हूँ, होटल मेरा कैसा है। मैं होटल की वीडियो में सुबह बनाऊंगा, अभी तो क्योंकि रात हो गई है तो कोई फ़ायदा नहीं है। तब तक के लिए बाय।